شكراً يا ربي شكراً قلبي شكراً उस्ताद कयूम राज साहब के मुताबिक सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि डूब जाऊँ शाम से पहले शफक हो जाऊँ मैं, डूब जाऊँ शाम से पहले शफक हो जाऊँ मैं, और फिर ऐसा हो अचानक बेरमक हो जाऊँ मैं। एक चमकता रंग हूँ तेरी रफाकत के तुफैल, तू अगर मुझसे बिछड़ जाए तो हक हो जाऊँ मैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल फरमाएं उस्ताद मोहतरम कयूम राज साहब। इस काय के फोड़ कर चश्मे तासु आई था, खोलकर चश्मे तासु आए था, एक नजर असलाफ की जानिब जरा, एक नजर असलाफ की जानिब जरा, सहल होगा जिंदगी का मरहला, सहल होगा जिंदगी का मरहला, पूछ खुद से इन सवालों के जवाब, और फिर दिल से कर अपना एहतसाब, था पशेमा हालत उजलत पे कौन, था पशेमा हालत उजलत पे कौन, कौन चमका सब्र की मीजान पर, किसकी खातिर सैल ने रास्ता दिया, क्या सबब था और क्यों ऐसा हुआ, कौन था शोलों में कूदा बेखतर, कौन जहरे पुर खतर को पी गया, क्या सबब था जहर पानी हो गया, किसके बाजू ने किया खैबर को सर, किसने बिखराई खजूरें ढेर पर, कौन ले आया था अपना घर का घर, कौन ले आया था अपना घर का घर, और गैरत सरवर किसे जांसे अजीज, गैरत सरवर किसे जांसे अजीज, तानी थी शमशीर किसने बाप पर, तानी थी शमशीर किसने बाप पर, ये है दानाए सुबुल रमजाशना, ये है दानाए सुबुल रमजाशना, इनसे दुनिया में है दुनिया को बका, इनसे दुनिया में है दुनिया को बका, हत्ता मुतलाशी जमाने है अगर, आप दीनों पर गिरकर अपनी नजर, आलमे इंसानियत की एक जात, भाई हक रखता है अपने भाई पर, और मुश्तइल बातों पे तू हो मत मेरी, हाँ मिले तन्हाई तो कुछ गौर कर, रोशनी खालिस मेरी दौलत नहीं, रोशनी खालिस मेरी दौलत नहीं, जगमगाले नूर से अपना भी घर, जगमगाले नूर से अपना भी घर, और इनकलाबे सुर्ख तूने चख लिया, इनकलाबे सुर्ख तूने चख लिया, देखे सरमाए के फेले मकर भी, खुल गए जमहूरियत के जबर भी, खुल गए जमहूरियत के जबर भी, फलसफों से क्या न तू उकताएगा, तोड़ कर अफकार अफकार बातिल का सुकून, क्या न तू सच्ची डगर पर आएगा, आलमे इंसानियत के वास्ते हाथ, आलमे इंसानियत के वास्ते हाथ में खोले किताबे मोतेबर, है मिसाली आज भी खैरु बशर, खोड़ कर चश्मे तासुबाई, खोड़ कर चश्मे तासुबाई घर। जब अल्लाह को कुरान को नबी को इंसान ने छोड़ा तो फिर शयातीन के हवाले हो गए, और फिर क्या हुआ ये देखिए कि शयातीन ख्वाबों में आने लगे, शयातीन ख्वाबों में आने लगे, जो मुमकिन न था वो दिखाने लगे, शयातीन ख्वाबों में आने लगे, जो मुमकिन न था वो दिखाने लगे, और हुआ नफ्स से हमारा महबूब मुझको उसूले शरीयत ठिकाने लगे, हुआ नफ्स से हमारा महबूब मुझको उसूले शरीयत ठिकाने लगे, और यहाँ तक हुआ कि गए अरसे आली पे खुद बात करने, गए अरसे आली पे खुद बात करने, खुदा को जमीन पर बुलाने लगे, खुदा को जमीन पर बुलाने लगे, और तमाशा लगा सालिकों को भी अपने, तमाशा लगा सालिकों को भी अपने, खुदाई के जलवे दिखाने लगे, खुदाई के जलवे दिखाने लगे, और शहूद और वहदत की तकरार तौबा, ये फलसफा है जिसके मानी अगर दुनिया समझ लेना तो सारी हिलाजत निकल जाएगी। फलसफा है कि एक तो यह है फारसी में उसको कहते हैं कि वहदतुल शहूद और वहदतुल वजूद कहते हैं, यानी जो कुछ है वो खुदा है और जो कुछ है वो खुदा से है, ये दो फलसफों ने पूरी दुनिया को विलियमेट करके रखा, और बदनसीबी से ये फलसफे आज के लिए यूनानी फलसफे, ये यूनानी फलसफे हैं, तो उसका आलम देखिए कि खुदाई के जलवे दिखाने लगे, शहूद और वहदत की तकरार तौबा, फरिश्तों के भी होश उड़ाने लगे,
शहूद और वहदत की तकरार तौबा फरिश्तों के भी होश उड़ाने लगे, रसूल आए इत्माम हुज्जत हुआ, कयामत के मंजर ठिकाने लगे। कुरान मजीद पढ़ते होंगे तो ये होता है कि अल्लाह हर रसूल आया, रसूल ने अपना अल्लाह का कलाम पेश किया, दावत पेश की, काफिरों ने इनकार किया, बर्बाद कर दिया। समूद के साथ ये हुआ, आद के साथ ये हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी के साथ भी ये हुआ कि मक्का फतह हुआ, मदीना फतह हुआ और अतराफ अरब और पूरी दुनिया का एक बड़ा इलाका फतह। ये हुज्जत इत्माम हुज्जत का नतीजा, रसूल आए इत्माम हुज्जत हुआ, कयामत के मंजर ठिकाने लगे और जो अहले हवस ने उठाई नजर तो उनको अकाइद पुराने लगे, जो अहले हवस ने उठाई नजर तो उनको अकाइद पुराने लगे, रसूल खुदा और न कुरान देखा तवहम के दरिया बहाने लगे, रसूल खुदा और न कुरान देखा तवहम के दरिया बहाने लगे, मकाम जियारत के दर खुल गए, जरूरत के सजदे दुगाने लगे, मकाम जियारत के दर खुल गए, जरूरत के सजदे दुगाने लगे, हुई दूर मस्जिद से आबादियां, उठे मकबरे आस्ताने लगे, हुई दूर मस्जिद से आबादियां, उठे मकबरे आस्ताने लगे, और कहां से मिला हुक्म वल्लाह आलम खुद अपनी शरीयत बनाने लगे, कहां से मिला हुक्म वल्लाह आलम खुद अपनी शरीयत बनाने लगे, और अकाइद की बुनियाद कुरान है तो क्यों फलसफे दिल लुभाने लगे, अकाइद की बुनियाद कुरान है तो क्यों फलसफे दिल लुभाने लगे, और हुआ जो हुआ है इलाही दुआ ये उम्मत की नियत ठिकाने लगे, इलाही हुआ जो हुआ है इलाही दुआ ये उम्मत की नियत ठिकाने लगे, है कुरान और सुन्नत ही राह निजात कराना हरे हरे कुरान। शुक्रिया।